दोस्तों रिलीज से पहले अक्सर फिल्म मेकर इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत नर्वस होते हैं, क्या होगा पिक्चर का हाल, पब्लिक का रिस्पॉन्स. लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं इज अ फिल्म मेकर. रेयरली हैव आई सीन अ फिल्म मेकर सो कूल एंड सो कंपोज्ड जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ हिज फिल्म. तो हमने नेचुरली पूछा जब ये स्टूडियो आए कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं. Probably it's because of the response to the trailer. लोगों को ट्रेलर इतना अच्छा लगा है, ट्रेलर्स इतने अच्छे लगे हैं कि yes, he can be cool and composed because he's confident कि पिक्चर तो चलेगी. But what he said was, I have lost all perspective. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. That is the reason I look cool and composed. Friends, please welcome Karan Malhotra, the hotshot director of Agnipath. And now, brothers, welcome to ETC Bollywood Business. Thank you so much for having me. Actually, आप perspective खो चुके हैं या ये facade और actually अंदर से आप समझ रहे हैं कि yes, मैंने एक बहुत बढ़िया film बनाई है जो चलेगी ही चलेगी. नहीं सर, आई थिंक कोमल जी, होता क्या है कि जो perspective होता है strong रहता है script writing तक, आई थिंक. क्योंकि जब script पक्की हो जाती है तो आपको पता है कि you've set out on a good or a bad journey. आई थिंक एवरी डायरेक्टर नोज दैट. लेकिन बाय द टाइम आई थिंक रिलीज होती है, एंड आई थिंक द मोस्ट स्ट्रेसफुल एंड द मोस्ट स्केरियस्ट प्रोसेस इज टू डिलीवर द फिल्म इन टुडेज डेट. बिकॉज पिक्चर बनती बाद में रिलीज डेट पहले फिक्स हो जाती है. तो वो जो रेस होती है ना कि चलो शूटिंग हो गई ठीक है, लेकिन पोस्ट करना है, तो पोस्ट करते करते जो जान निकलती है आज की डेट में, एंड आई थिंक आई एम नॉट द ओनली डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर विल बी गोइंग थ्रू द सेम टर्मोइल और मैडनेस. स्पेशली अगर आपकी फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो तो काम बढ़ जाता है डेफिनेटली. लेकिन आई वुड से कि यस, हमारा शायद स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा था बिकॉज द सेकंड हाफ कंप्लीटली इन्वॉल्व्स वीएफएक्स एंड द अरीना कंस्ट्रक्शन ऑल ऑफ दैट. लेकिन आई वुड से इवन इफ इट्स नॉट अ वीएफएक्स फिल्म, इट्स ऑलवेज अ नेक ब्रेक स्पीड एंड इट्स ऑलवेज क्रेजी. Yeah. So now, and I think in today's time, it's become that because of the prominence that a release date takes. Release date. Yeah. तो अग्निपथ में भी वैसा ही टेंशन हुआ था या उससे कहीं ज्यादा था इस फिल्म में? इस फिल्म में उससे कहीं ज्यादा था. और कारण? कारण आई वुड से कि इस फिल्म को एडिट करने में बहुत टाइम लगा बिकॉज द फिल्म हैड सच हैवी एक्शन इन द सेकंड हाफ एंड वी आर ट्राइंग टू गेट एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स टू द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ प्रॉपर फिल्म. उस चीज़ को ऑथेंटिक लगाने में, उसका एक्शन का एक पेस पकड़ने के लिए, उसको यू नो टू ट्राई एंड मैच इट विद एन अदर इंटरनेशनल फिल्म और ट्राई एंड मैच द क्वालिटी विद इट, द एडिट टू किट्स टाइम to maintain that pace. I think to because that got a bit delayed, so everything got delayed. But yes, the second thing is VFX. Prime Focus has done the VFX of the film. They've done a fantastic job. But I think it was a humongous task. मतलब I think हमने कहीं शुरू करते हुए भी ये expect नहीं किया था कि ये इतना humongous task होगा. लेकिन they've I think come out with flying colors. And for you all also it was a surprise. Not a surprise, but yes, we were taken aback a bit कि यार इतना काम इतना टाइम निकलेगा. वो सोचना थोड़ा आई थिंक हमने कहीं नहीं सोचा था बिकॉज आई डोंट थिंक किसी ने इस किस्म की फिल्म की है इंडिया में. एग्जैक्टली, सो व्हिच इज व्हाई आई थिंक प्रेसिडेंट आल्सो. एग्जैक्टली, सो वी डिडंट हैव अ सेट नॉर्म और एन एग्जांपल टू फॉल बैक ऑन. आपने कहा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ये पहली फिल्म है, इतने बड़े पैमाने पर बनी है, तो आप इस स्पोर्ट में या किसी भी फॉर्म के मार्शल आर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं या इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिल्म दैट? कोमल जी, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन मिक्स मार्शल आर्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्रदर्स, टू बी ऑनेस्ट विद यू. बिकॉज बिफोर वर्किंग ऑन ब्रदर्स और थिंकिंग ऑफ डूइंग एन एडेप्टेशन ऑफ वॉरियर, मुझे पता भी नहीं था कि यूएफसी होता क्या है, एमएमए होता क्या है. लेकिन जब फिल्म देखी एंड वी डिसाइडेड ऑन अडैप्टिंग इट, यूएफसी क्या होता है? यूएफसी इज अ ब्रांड, इज एन इंटरनेशनल ब्रांड दैट होल्ड्स एमएमए फाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके. तो जब फिल्म के बारे में डिसाइड हुआ कि फिल्म बनाएंगे, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड developing interest in MMA and started doing research for the film. So when you see the film, you will see a high impact action film with a lot of drama and melodrama and emotions, exactly. And high impact action because I have tried to be as specific because being an outsider, it's easier to I think mark highlights of a certain spot than being an insider because when you're an insider, you go into details and technicalities. Like, and as an outsider, जो कमाल लगता है, वो मैंने पिक्चर में रखने की कोशिश की, रिटेन करने की कोशिश की है. तो I think वो impact, I hope audiences को अच्छा लगे. मेरा ऐसा सोचना है, क्या आपका भी ऐसा सोचना है कि there is no deadlier combination for the box office numbers के लिए इससे ज्यादा deadly combination नहीं हो सकता है कि आपकी फिल्म में action भरपूर हो और emotions कूट कूट के भरा हुआ हो. आपका भी यही सोचना है? सर, मेरी सोच उतनी क्लेवर नहीं है सर, मुझे नहीं पता. वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है कौन सा बुरा है. आई जस्ट नो कि मैं कोशिश वो करता हूँ कि जब मेरी वाइफ एकता ने ये फिल्म लिखी और जब मैंने डायरेक्ट की, तो हमने कोशिश सिर्फ ये की कि हम लोग वो बनाएं जो हमें देखने में मजा आएगा, शायद हम थिएटर में जाके ताली मारेंगे.
तो हमने वो करने की कोशिश किया ना, आई होप दैट ऑडियंस दैट कॉम्बिनेशन बिकम्स कि हाँ चलो ये था तो ये चला, आई होप दैट हैपेंस। तो आपकी वाइफ ने जब ये फिल्म लिखी जी, आपके कितने इनपुट थे, बिकॉज फाइनली राइटर एंड डायरेक्टर हैव टू वर्क इन टैंडम। एब्सोल्युटली, आप तो उनके हस्बैंड हैं, वो आपकी वाइफ है, तो राइटिंग स्टेज से ही साथ में बैठ के लिखते थे या उन्होंने राइटिंग की, स्क्रिप्ट लिखी उसके बाद आपने मतलब आपकी एंट्री हुई? सी एज फार एज राइटिंग प्रोसेस इज कंसर्न्ड, एकता इज द राइटर ऑफ द फिल्म एंड आई एम अ कंप्लीट ब्राउन स्पॉट। मेरा ये है कि मैं ड्रामा एंजॉय करता हूँ, तो मैं उस पर आइडियाज थ्रो करता रहता था, एंड शी वुड वीव इन अ वे वेयर शी थॉट वाज बेस्ट, एंड आई थिंक आई एम जस्ट वेरी लकी दैट माय वाइफ एंड माय लाइफ पार्टनर, माय बेस्ट फ्रेंड इज माय राइटर, so she knows me more than anybody else, she understands my aesthetics more than anybody else, she understands my sense of drama more than anybody else, the value of emotion that that Ekta has in her I have rarely seen in anybody else, and not because she's my wife, I'm saying this. Fantastic. So I think that you will see in that will be a stark difference between Warrior and Brothers, you will see that stark difference, matlab emotions itne bhar diye hain, aur absolutely because she is emotional at heart. Absolutely, she is extremely emotional at heart, and jahan tak emotion bharne ka sawal hai, we've tried to hold it as strong as possible, because I think both Ekta and I are extremely passionate people. To wo kahin na kahin wo jo ek hai Agnipath mein, jaise I was always blessed with one comment ki yaar आप पूरी फिल्म देखते हैं तो कहीं भी आप विजय का रिवेंज नहीं भूलते, चाहे मेरी चिकनी चमेली चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, यू डोंट फॉरगेट द रिवेंज। सो आई एम होपिंग दैट वी हैव ट्राई टू मेंटेन द सेम इमोशनल थ्रेड इन ब्रदर्स एज वेल, कि चाहे एक्शन हो, चाहे मेरी गाना चल रहा हो, चाहे कोई और गाना चल रहा हो या कोई और लाइटर मोमेंट चल रहा हो, यू डोंट फॉरगेट द बेसिक थ्रेड ऑफ द इमोशन इन द फिल्म। ये वॉरियर का ऑफिशियल रीमेक है, वॉरियर को रीमेक करना है, ये आपकी सोच थी या करण जौहर जो आपके प्रोड्यूसर है उनकी सोच थी? ये मेरी सोच थी, मैंने वॉरियर देखी थी कोई 2.5-3 साल पहले। अच्छा। एंड तब से मेरे दिमाग में था, बिकॉज आई थिंक वॉरियर में ओवरऑल द फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ 3-4 सीन ऐसे थे फिल्म में जो मुझे लगा यार ये हिंदी पिक्चर हो तो कमाल हो जाएगा। अच्छा। बिकॉज आई थिंक उसका एक कोर है उस फिल्म में, तो आई वॉज लकी इनफ टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू दैट, तो मैंने करण से बात की थी इस बारे में, एंड उस टाइम हम शुद्धि करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऑल दोस थिंग्स वर गोइंग ऑन, द वॉरियर वेंट ऑन द बैक बर्नर इन टर्म्स ऑफ इवन अ डिस्कशन, बट व्हेन शुद्धि डिड नॉट टेक ऑफ और अदर फिल्म्स डिड नॉट टेक ऑफ, देन वी वर वेरी लकी दैट ब्रदर्स का जो पूरा सेटअप था इट जस्ट फेल इन टू प्लेस, इट वॉज जस्ट प्योर डेस्टिनी, इट जस्ट फेल इन टू प्लेस विद द एक्टर्स कमिंग इन, द राइट्स कमिंग इन, एक द राइटिंग इट, मी डायरेक्टिंग इट, करण प्रोड्यूसिंग इट, एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर। तो ब्रदर्स के जो टू ब्रदर्स है अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये आप सबकी फर्स्ट चॉइस थे? आई हैव बीन वेरी लकी कोमल जी, फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म टू माय सेकंड फिल्म टू बी ब्लेस्ड विद गेटिंग माय फर्स्ट चॉइस एक्टर सो फार, सो आई एम एक्सट्रीमली लकी। यू डोंट हैव टू लुक एल्सवेयर, आई बीन सेकंड चॉइस कभी सोचना या अल्टरनेटिव सोचना ही नहीं पड़ता है? नहीं पढ़ा अभी तक, आई थिंक वो पढ़ता है बिकम्स एन अथॉरिटी, आई वुड से आई बीन लकी इनफ कि मुझे सोचना नहीं पड़ा। एंड व्हाट डू यू गिव द क्रेडिट टू फॉर दिस? आई बी वेरी ऑनेस्ट, सब होता ही है, डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस फर्क पड़ता है, बिकॉज व्हेन देयर आर बिग एक्टर्स इन्वॉल्वड दे विल लुक एट द प्रोडक्शन हाउस कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पिक्चर कंप्लीट होगी नहीं, रिलीज होगी नहीं, इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट कैसे, सो उससे बड़ा आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग, बट आई डेफिनेटली बिलीव दैट the fulcrum, the reason why an actor would say a yes or a no to a film in today's age is the written matter. Nothing else matters. Because that is the only thing in today's date that matters. Because content is so important today. Because itni filmein ban rahi hain. Wo, I think wo aura chala gaya hai ki yaar, because ye setup hai to log picture dekhenge aur usko appreciate bhi karenge. Wo zamana chala gaya hai. Agar content hai film mein, and agar actor ko wo click karta hai content, then they will say yes or no to the film. करण जौहर एज अ प्रोड्यूसर, सेकंड फिल्म है आपकी, एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं कहूं कि सारांश में बताए, व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट हिम एज अ प्रोड्यूसर, वो कैसे प्रोड्यूसर है, क्या कहेंगे आप? आई वुड कॉल हिम द मोस्ट ग्रेसफुल एंड द मोस्ट लीनियंट प्रोड्यूसर एवर, बीइंग अ डायरेक्टर हिमसेल्फ, ही हैज नेवर एवर ट्राई टू इंटरफेयर, नेवर ट्राई टू टेल मी व्हाट टू डू, नेवर ट्राई टू इवन ट्राई एंड यू नो ड्राइव मी टुवर्ड्स कि तुमको पिक्चर ऐसे बनानी चाहिए वैसे बनानी चाहिए, चाहे वो अग्निपथ थी चाहे वो ब्रदर्स है। करण हैज इज अ फादर फिगर, ही इज एन एंजल इन माई लाइफ, who has provided for my professional life and has taken me forward without any conditions applied. So I think both Ekta and me are blessed to have that man as a producer. Correct. और आपकी फिल्म जब उन्होंने देखी ये फिल्म क्या कहा, उन्हें कैसी लगी, क्या कहा आपको? I think the biggest praise or one word response was that when the film got over and the end credits started, he did not get up for some 4 minutes because he told me that I'm glad it was dark. Because I was sobbing so badly, but acha hua ki mujhe 3-4 minute mil gaye recover karne ke liye. And I'll be, matlab, you know Karan. And Karan would not say something like this if he didn't mean it. He would not say he, in fact, he's an extreme. Correct. If he loves something, he will love it like a madman. If he hates it, he'll be very blunt. Yeah. He will just stand up and say, rubbish, and walk away. Yeah. He's honest enough to say, ki teri picture nahi chalne, tune bakwas picture. Exactly. That is what I also am. That is the person he is. So,
him saying that was the best compliment I can ever get. Yeah. Just the silence and the tears were enough for me to understand that yes, we did our best with the film that we could. आपने तो ये फिल्म बनाई है, आपकी वाइफ ने ये लिखी है, तो while it was even being born or created, you were a part of it. जब आपने फिल्म देखी, आपको रोना आया? बिल्कुल आया. एविड में जब मैंने फिल्म देखी, जब एविड में एडिट की थी फिल्म, तो जब हमने देखी तो मुझे वहाँ रोना आया था. एंड आई वुड लाइक टू से दैट एट अ सर्टेन लेवल आई डू ट्राई एंड मेंटेन माय ऑब्जेक्टिविटी फिल्म होने के बाद भी, बिकॉज जब फिल्म एडिट प्रोसेस में जाती है तो आई डोंट सिट फॉर एवरी शॉट, आई डोंट सिट फॉर एवरी सिंक. आई सी द एडिट दैट माय एडिटर डज एंड देन आई रिएक्ट टू इट. बट यस, आई थिंक द इमोशंस इन द फिल्म आर स्पेशल. अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आपके सीने में दिल है, तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली रुलाएगी. ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. फिल्म अच्छी है या बुरी है सेकेंडरी है, लेकिन ये फिल्म आपको डेफिनेटली टच करेगी, टच योर हार्ट एंड डेफिनेटली करेगी, डेफिनेटली करेगी. फैंटास्टिक. ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ. और अगर मैं आपको ये पूछूं, ऑफ कोर्स थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं कि फिल्म के राइटिंग में, स्क्रिप्टिंग में एंड मेकिंग में क्या ज्यादा डिफिकल्ट था, टू गेट दोज मिक्स्ड मार्शल आर्ट एक्शन सीक्वेंसेस राइट और टू गेट द इमोशन राइट? आई फील इट्स ऑलवेज टफर टू गेट द इमोशन राइट. ओके. बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आप वर्ल्ड का बेस्ट एक्शन सीक्वेंस कर लीजिए, अगर उसमें इमोशन नहीं है, तो वो एक्शन सीक्वेंस जीरो है, तो आप उसको 2-3 मिनट के ऊपर देख नहीं पाएंगे. इस फिल्म में द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म हैज अ मेजर टूर्नामेंट हैपनिंग, एमएमए टूर्नामेंट हैपनिंग, विच इज अ मेजोरिटी ऑफ द सेकेंड हाफ. उस टूर्नामेंट को सहने के लिए, उस टूर्नामेंट की जर्नी पे जाने के लिए, उस टूर्नामेंट को अपना बनाने के लिए इमोशन बहुत जरूरी है. And I think that was the toughest part in the film to get. Yes, when I work, I'm an extremely passionate person. I'm aggressive, I'm passionate, I'm angry, and I'm doing all those things. So my actors have gone through that madness with me, and I have been very supportive. So I think that is the core. Komal ji, I think jahan tak meri sensibility hai, jis kisam ki film mein main banana chahta hoon, ya ab tak jo banai hai, meri sensibility kehti hai ki emotion is the key. Emotion is the key. Ye char jo lead actors hai, अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जैकी श्रॉफ एंड जैकलीन फर्नांडिस, इन चारों के बारे में क्या चीज थी जो इन पांचों के बारे में ऐसी क्या चीज थी, ऐसा क्या था इनके बारे में या इनके परफॉर्मेंस के बारे में जो आपने सोचा कि ये मेरे फर्स्ट चॉइस है और इनके अगर ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्या चीजें थी? आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू सी अक्षय सर. यस, इट्स एन एक्शन फिल्म एंड ही हैज एन एक्शन इमेज, बट टू सी हिम एज एन ऑर्डिनरी मैन do action rather than see him as a larger than life hero doing action. So I think Akshay sir has portrayed that beautifully in Brothers. He has been this man who you would want to rely on, whom you would want to sit with and have a chat with, who you would want to share his pain with, but at the same time he has this violent side, he has this violent and aggressive past which he's trying to hide, but beyond a point cannot and has to take over and do things for his family. So I think Akshay sir has portrayed that character beautifully, that transition from being an ex-fighter to now living a very underplayed, almost insignificant obscure life, and then getting back into the ring. I think he has maintained that transition beautifully as an actor. So I think Akshay sir's simplicity is what I think gets to me. Okay. I think his basic simplicity is what gets to me. As far as Sidharth is concerned, I think सिद्धार्थ की मैंने लास्ट फिल्म जो देखी थी वो थी हंसी तो फंसी, जिसमें ही प्लेड दिस रियली थिन रोमांटिक लैंकी बॉय. तो कहीं ना कहीं उसमें जो सिद्धार्थ ने परफॉर्मेंस दिया था, आई रियली वॉज फ्लॉर्ड बाय दैट. तो मुझे लगा कि ही हैज द कैपेसिटी ऑफ पुलिंग ऑफ अ कैरेक्टर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन अक्षय कुमार, द बिगेस्ट एक्शन हीरो ऑफ द कंट्री, एंड पुल ऑफ मॉन्टीज कैरेक्टर. तो सिद्धार्थ हैज गिवन इट इज 100%. अगेन, इट्स इज हाउ डू आई से, इट्स इज इनोसेंस. आई वॉन्टेड सिद्धार्थ टू बी a grown up child who's gone wrong in his mind, who is stubborn for the wrong reasons, who's stubborn because of certain emotions. So Akshay sir's character has tangible reasons for why he needs to survive and fight in the tournament, whereas Sidharth has emotional dysfunctionalities, okay, which is why he's fighting in the tournament. Jackie sir was the first choice, and I was damn lucky to have him on the film, because I remember when I met him for the first time for the film, the first question he asked me was, और कितने लोग के पास जाके मेरे पास आए? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं बोला, सर मैं किसी के पास नहीं गया, मैं सीधा आपके पास आया. झूठ मत बोल. सो यू नो जैकी सर, ही इज अ फिनोमिनल कैरेक्टर इन हिमसेल्फ. यस. एंड आई थिंक जैकी सर्स आईज स्पीक वॉल्यूम्स. आई थिंक the romanticness that he has on his face, the romantic feel, the softness that he has on his face speaks volumes. He, at the same time, his attitude can be extremely violent and aggressive, but his face is extremely charming and innocent. Correct. So that that mixture for Garson's character was beautiful, I thought. And I was again lucky to have him on board. Jacqueline, I'll be honest with you, sir.
जैकलिन की जितनी मैंने फिल्में देखी most unlikely choice. Absolutely. एक मदर्स रोल, डीग्लैमराइज्ड रोल. Absolutely. आई थिंक ऑल्सो आई हैव मेरा ये कीड़ा है टू ट्राई एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग. ओके. जैसे चिंटू साहब थे, अग्निपथ और संजय सर थे. एग्जैक्टली. आई कीप ट्राइंग माय लक. आई कीप ट्राइंग माय लक एंड आई गॉट लकी विद जैकलिन एंड शी सेड यस फॉर द फिल्म. बट आई थिंक why Jacqueline will stand out in spite of having these three big stars in the film and all of that, she will stand out because she has not looked like this in any other film she's done, or she has not performed like this in any other film she's done. She has just been basic. She has been herself. And I was shocked, and I'll be honest with you, I think she shocked me the most. Oh. Out of all the actors, Jacqueline shocked me the most in the film, because Akshay sir has a certain level and he's done his performances. Sidharth ki maine film mein dekhi hui hai. Jackie sir is there. Jacqueline shocked me with her simplicity, her intelligence to understand simple things so beautifully. And Shefali Shah? Shefali Shah is... She's a great what actor. What do I say about Shefali Shah? Matlab, Shefali Shah is blessed with the characteristic of smiling and crying at the same time. and that's her USP. And she is just foolproof. She is phenomenal. She has played Maria's character beautifully. Mm-hmm. She has not made it cliche. She has not made it boring. Mm-hmm. She has made it very, very endearing. Mm-hmm. And although she has a smaller part compared to the others in the film, mm-hmm. You will see her in the part and you will miss her for the rest of the film. Her part comes in the first half. Mm-hmm. And by the time you see the end credits of the film, you will still miss her in the film. Oh, that is the kind of power she has in her performance, I feel. Shuddhi ke baare mein aapne baat ki ki actually ab Shuddhi kahan hai, Shuddhi mein kaun hai, Shuddhi ka kya hone wala hai, kyunki itni kahaniyan padhi hai, suni hai ki one has lost perspective. Actually samajh mein nahi aata hai ki kaun hai, kaun tha, kaun hone wala tha aur asli mein kaun hai. To just put the film in fact I would say that even I lost perspective reading the stories because hamare ilawa Shuddhi ke bare mein baki sab baat puri duniya ka maloom hai, puri baat kar rahi thi ki matlab kabhi ye hai, kabhi wo hai, kabhi wo hai, kabhi ye hai, sab chalta raha. To set the record straight, Shuddhi has been cast. It has Alia Bhatt, it has Varun Dhawan, it's being produced by Karan Johar, it has been directed by Karan Malhotra, it has been written by Ekta Pathak Malhotra, my wife. Mm-hmm. It's an original screenplay, mm-hmm. It's not an adaptation of any film. Mm-hmm. Or any book okay. For that matter. Mm-hmm. Ekta has developed Immortals of Malhua, we are developing it. Oh, but that is a separate film. That's a completely different film. It has got nothing to do with Shuddhi. I think people misunderstand it because beech mein news aayi thi ki hum Rishikesh Haridwar chale gaye the Reki ke liye aur picture ka naam Shuddhi hai and usme tribes hain, ye hai, to they automatically connected to Malhua. Mm-hmm. But that is not the case. Okay. Shuddhi is a completely original screenplay written by Ekta, mm-hmm. Will be directed by me, and that is where it stands now. Mm-hmm. And we are hoping to start filming it early next year. Early next year, yeah. Okay. So that is because prep mein utna time lag jayega film ko. Mm-hmm. So that is where Shuddhi stands. And finally, you may not be the man of figures, but phir bhi Karan Johar ke saath do filmen banane ke baad aur teesri ka preparation to chali raha hai, to unke saath uthne baithne par aapko bhi ek perspective, ek andaaza to aa hi gaya hoga ki figures kya hote hain, box office collections kitne hote hain, is film ke bare mein aapka kya? Komal ji, honestly speaking, Karan ke saath uthne baithne ke bawajood, yes, wo perspective kai baar mera peecha karta hai, lekin main usse bhagta rehta hu. Acha, aapko lagta hai ki it will cloud your... I'll be honest with you, jab Brothers ka promotion shuru hua, to I was on Twitter and I was excited and ye ho raha hai, wo ho raha hai, log baat kar rahe hain, ye kar rahe hain. After some time, I realized, main kya kar raha hu yaar, mera kaam picture banana hai. To pehle wo to bana lun. So I just shut myself down and I said, let me make the film first and then we'll see what happens. Kyunki uska jo hona hai wo hoga. Kisi ke bolne se, kisi ke na bolne se kuch acha bura nahi hone wala. To main pehle apni puri honesty wahan dikha do, uske baad dekhenge kya karna hai. To I hope Brothers does well. I hope it recovers the money that the producers have put in and it makes them more happier than that. I hope I get to make my next film. What kind of monies have gone into the making and the promotion? Sir, again, that is a Karan Johar question. Okay. I'll be honest with you. Okay. Even Karan doesn't even try to pull me into these conversations. He doesn't try to put that pressure on me. I've realized that Karan Johar is the type ki unka kaam direction hai. Let me not burden him with anything more. He doesn't try and pressure me ki yaar itna paisa laga hai to itna hona chahiye. Not at all. Dekh tere upar ye sab. He's too much of a gentleman for that. He doesn't scare me with those things because he realizes ki if a creative mind is put in those burdens with, correct, then creative kaam kharab ho jayega. Correct. Kyunki then pressure kuch aur hi chal raha hai. Correct. Ki yaar opening lagegi nahi. Ye scene mein aisa karu to acha hoga kya? Audience taali maregi. He doesn't think on those lines. So he gives me that liberty and I am very happy to yes, I understand that I cannot be an unreasonable filmmaker. I understand that I have to respect a producer's financial condition and financial sanctity. Mm-hmm. Because a film is made to make money.
yes, it should be enjoyable, it should be entertaining, it should be emotional, but it has to recover the money and also make some profit so that the producer can make another film, so that me as a director, I can get another film to make. I understand that, and I think I like to stop my understanding at that level itself. I don't like to go beyond that because I don't think I'm capable of understanding it. Yeah. Well, we'll make you understand a little more. But first of all, thank you so much for being on the show. It was great talking to you. Thank you. And मैं अब आपको बताता हूँ कि little more क्या होता है. जी, please बताइए. तो दोस्तों, ये थे करण मल्होत्रा. इनकी फिल्म Brothers इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है. दावे के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो B का दौर चल रहा है, बाहुबली, बजरंगी भाईजान, एंड नाउ इट्स ब्रदर्स, बी का जो दौर चल रहा है, दिस वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंप्लीटली इन सिंक विद दैट बी का दौर, बी का सक्सेसफुल दौर. यस, दिस वन इज अ बिग हिट. ट्रेलर्स आपको बहुत पसंद आए हैं, एंड इनकी बातों से बहुत बहुत खुशबू आ रही है कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है. बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी बनेगी. लिटिल प्रॉफिट्स नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बनेंगे. मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, बैंगिस्तान भी तो बी फिल्म थी, लेकिन जैसे कहते हैं, एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मज़ेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC बॉलीवुड. दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय.